अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और टेक्निटर्स हूं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओप्पो रेनो 10X जूम स्मार्टफोन। इसका हम करेंगे आपके लिए डिटेल रिव्यू और देखेंगे कि ये स्मार्टफोन कैसा है। ओप्पो ने इस स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ये जो आपको स्मार्टफोन है इसमें जो इसका जो बैक कैमरा है ये आपको तीन लेंस के साथ आता है। एक लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है और जो तीसरा है ये आपको 13 मेगापिक्सल का है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको यहां से पॉपअप होता है और ये आपको 16 मेगापिक्सल का। इसके स्क्रीन की साइज की हम बात करें तो इसकी जो स्क्रीन की जो साइज है ये आपको 6.65 इंच की है जो कि आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। रैम इसमें 8 GB की दी गई है और 256 GB की इसमें आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है। ये जो आपका स्मार्टफोन है ये आपको डुअल सिम के साथ आता है। दोनों सिम स्लॉट्स जो हैं ये आपको 4G+4G दोनों को सपोर्ट करते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 ओक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4065 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड पाई के ऊपर चलता है और इसमें आपको UI जो दी गई है वो आपको कलर OS 6.0 दिया हुआ है। तो ये तो बात हो गई इसके फीचर की। अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन की तो इस स्मार्टफोन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर की मिलते हैं। इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है। इस स्मार्टफोन के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलता है, आप देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर है, यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट है, ये आपको सिम ट्रे एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। इस स्मार्टफोन के ठीक ऊपर देखिए यहाँ पे यहीं से आपको फ्रंट कैमरा निकलता है, वो हम आपको दिखाते हैं वो कैसे निकलता है। तो इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं कैमरे के अंदर और यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहीं से आपको फ्रंट कैमरा निकलता है, आप देखिए यहाँ पे इसका लेंस दिया हुआ है और यहाँ पे सेटिंग्स है। तो आइए हम इसके कैमरे के जो सैंपल्स है उसको हम बाद में चेक करेंगे और अब हम देखते हैं कि इस स्मार्टफोन में और आपको क्या क्या मिलेगा। तो सेटिंग के अंदर हम चलते हैं और देखिए यहाँ सेटिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सेटिंग के अंदर देखिए सबसे ऊपर आपको मिलता है एयरप्लेन मोड है, इसके नीचे आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क है, इसके नीचे आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, साउंड एंड वाइब्रेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब है, फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, यहीं से आप इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे। अबाउट फोन के अंदर देखिए यहाँ पे आपको डिवाइस नेम ओप्पो रेनो 10X जूम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्लोज से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कलर OS वर्जन आपको V6.0 यहाँ पे दिया हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन आपको 9 है, प्रोसेसर आप देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 ओक्टा कोर, रैम 8 GB और डिवाइस स्टोरेज 256 GB यहाँ पे दी हुई है, ये सब है। अगर हम बात करें इसमें आपको नेविगेशन कीज की तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर है, बैक, होम और रिसेंट यहाँ आप देख सकते हैं। आइए अब हम बाहर आते हैं। इसके अलावा मैं आपको अब यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, इस पर जैसे ही हम टैप करते हैं देखिएगा, टैप किया और काफ़ी तेज़ी से ये आपको ओपन हो गया हमारा ये स्मार्टफोन, तो ये काफ़ी फास्ट है। इसके अलावा आपको इसमें गूगल के सारी आपको ऐप मिलेगी, जैसे कि गूगल है, क्रोम है, आपको जीमेल है, यूट्यूब है, ड्राइव है, ड्यू है, ये सारा आपको इसके अंदर आपको मिलता है। आइए अब हम इसके कैमरे के अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपको और क्या क्या मिलेगा। तो कैमरे के अंदर देखिए नीचे इसके मोड्स दी गई है, जैसे वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है और यहाँ पे जब आप टैप करते हो तो यहाँ पे देखिए नाइट है, पैनोरोमा है, एक्सपर्ट है, टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है और गूगल लेंस यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गियर आइकन है, गियर आइकन पे जब आप टैप करते हो तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग आपको सेटिंग्स दी हुई है, जैसे लोकेशन है, फ्लिप सेल्फी है, फोटो रेशियो है, ग्रिड है, AI सीन रिकॉग्निशन है, वाटरमार्क है, ये सारा दिया हुआ है। अगर देखिए वीडियो रिजोल्यूशन की हम बात करें तो इस स्मार्टफोन से आप 4K वाले भी वीडियो बना सकते हैं, तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे टाइम लैप्स, एक्सपर्ट, पैनोरामा और ये सारा आपको यहाँ पे आपको मिलता है। तो आइए हम इस स्मार्टफोन से लिए हुए जो कुछ इमेजेस हैं उसको हम चेक करते हैं और फिर बात करते हैं कि इसके पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है इसके बैक कैमरे से मैंने लिया है, आप देखिए। इसके अलावा इस इमेज को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी सही आया है। यहाँ पे देखिए ये मैंने काफ़ी दूर से लिया है और यहाँ पे मैं आपको जूम की क्वालिटी में दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं जूम की क्वालिटी काफ़ी सही है और ये देखिए काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है। अगेन यहाँ पे ये जो चेयर्स लगे हैं ये भी काफ़ी सही से यहाँ पे जूम की क्वालिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए अब हम और कुछ इमेजेस को चेक करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसकी
जूम की क्वालिटी कैसी है। ये देखिए, ये मैंने लो लाइट में ये इस इमेज को क्लिक किया था और यहाँ पे इसकी क्लैरिटी आप देखिए काफ़ी सही है। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ते आप काफ़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी मैंने जूम करके इसको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरा जूम यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी दूर से मैंने इस इमेज को क्लिक किया था। आइए और चेक करते हैं इमेजेज। तो ये देखिए, ये आपको इमेज देखिए यहाँ पे, इसको मैंने थोड़े क्लोज लुक क्लोज से लिया था और यहाँ पे आप इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं, क्लैरिटी काफ़ी सही है, डिटेलिंग काफ़ी सही आई है इस स्मार्टफोन से। उसके अलावा आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सही, यहाँ पे ये टॉप आपको दिख रहा है और ये काफ़ी नीचे और काफ़ी पीछे से मैंने इस इमेज को क्लिक किया था। इसमें अब हम कुछ इसमें फ्रंट कैमरे के सैंपल को हम देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके फ्रंट कैमरे से लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी काफ़ी सही है, डिटेलिंग काफ़ी सही है। अगेन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैरिटी काफ़ी सही है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों सही है। ये अगेन ये बैक कैमरे से लिया है और यहाँ पे आपको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सही से दिख रहा है, जबकि ये देखिए मैंने काफ़ी दूर से लिया है। तो इसकी जूम, इसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी दोनों काफ़ी सही है और इसका जो बैक कैमरा के जो नॉर्मल जो फोटोज़ थे जो कि मैंने आपको दिखाया वो भी काफ़ी सही आए, इस इमेज को भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है इस स्मार्टफोन की वो काफ़ी सही है। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन एरिया की, तो यहाँ पे आप देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे आपको मिलता है वाईफाई, सेलुलर डेटा, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, क्लीन स्टोरेज, NFC, गूगल असिस्टेंट, पावर सेवर, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटो रोटेट, ये सारे। तो दोस्तों, ये मेरा आपके लिए एक डिटेल रिव्यू था इस स्मार्टफोन के ऊपर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरा चैनल जो कि टेक्निटर, इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा, तब तक सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।